नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिद्धू फूड ब्लॉग में। तो आज हम देखने जा रहे हैं हलवाई लोग जलेबी की रेसिपी कैसे बनाते हैं और जलेबी बनाने के उनके क्या सीक्रेट्स होते हैं ये भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैदे को रात भर भिगाया जाता है, उसमें ईस्ट डालकर उसको रात भर भिगोने के लिए रखा जाता है और ये सुबह जब अच्छी तरह से भीग जाता है तो इसमें सूखा मैदा डालकर इसको अच्छे से मिक्स किया जाता है। इसमें ऊपर से सूखा मैदा इसलिए डाला जाता है ताकि इसकी खटास थोड़ी कम हो जाए। आप यहाँ देख सकते हो इसको कितनी अच्छी तरह से मिलाया जा रहा है। इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है ताकि इसमें बबल्स ना रहे। एकदम गाढ़ा बैटर बनाया जाता है। तो अभी ये जलेबी बनाने का बैटर लगभग रेडी हो चुका है। इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ढककर रखा जाएगा और इधर चाशनी की तैयारी शुरू हो जाती है। लगभग 15 से 20 किलो चीनी की यहाँ पे चाशनी बनाई जाती है। उसके बाद चीनी में पानी मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। अभी देख सकते हो आप इसको उबाल आ गया है। उसके बाद उसके ऊपर जो झाग आता है उसको बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद इस चाशनी में खाने का कलर डाला जाता है। और इसके बाद इसमें इलायची पाउडर मिलाया जाएगा। और इस तरीके से जलेबी की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद अभी जलेबी तलने के लिए भट्टी पर कढ़ाई रखी गई है। इसके बाद जलेबी के बैटर को कॉटन के कपड़े में डालकर तेल गर्म होने के बाद जलेबी बनाई जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये भाई कितनी अच्छी तरीके से जलेबी बना रहे हैं। इसके पीछे इनकी सालों की मेहनत लगी होती है। अब इसके बाद इस जलेबी को आधे से 1 मिनट के लिए एक साइड से तला जाएगा। अभी इसको दूसरी साइड से भी आधे से 1 मिनट के लिए तला जाता है। जब इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसको चाशनी में डाला जाएगा। इस तरीके से इसको चाशनी में डाला जाता है। जलेबी को इस चाशनी में 2 से 4 मिनट तक भिगोया जाता है। उसके बाद ये जलेबी खाने के लिए तैयार है। तो हलवाई इस तरीके से एकदम टेस्टी और क्रिस्पी जलेबी बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।